जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस जी स्टडी पे। तो अभी हम बात करने वाले इंडियन नेवी SSR AA नई भर्ती 2021 के बारे में दोस्तों। और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए और नेवी बिग अपडेट है आप लोगों के लिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग जानोगे दोस्तों कि 50% वालों का भी एडमिट कार्ड है जो आ सकता है और सबका एग्जाम हो सकता है दोस्तों, ठीक ना। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि जो आप लोग का एडमिट कार्ड है, जो अभी जो फॉर्म आप लोग फिलअप कर दिए हो, फॉर्म भर दिए हो और आप लोग का अब इंतजार है कि मेरा एडमिट कार्ड जल्द से जल्द आ जाए, तो आप लोग को बताऊंगा किस डेट तक आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों, ठीक ना। और एग्जाम आप लोग किस डेट तक हो जाएगा, ठीक ना, किस डेट से आप लोग का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और मेरिट लिस्ट आप लोग को कब तक देखने को मिल जाएगा इस एग्जाम का, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग को कब तक देखने को मिल जाएगा इस एग्जाम का, पूरा चीज इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जाकर अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का दिया है, वहां पे आप लोगों को नेवी की क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना सेकंड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन हो जाए, एस जी स्टडी सर्च कर लेना टेलीग्राम पर और ज्वाइन हो जाना। चलिए दोस्तों, आप लोग को हम दिखाते हैं विद प्रूफ कि नेवी जो है वो आप लोग को कब तक आप लोग को एग्जाम लेगा और जो हम क्यों बोले कि 50% वालों का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, सारा चीज इसमें आप लोग को बताते हैं और सबका एग्जाम कैसा हुआ सारा चीज आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। तो चलते हैं हम नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको सारा चीज हम दिखाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हम नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सैलरी में आप लोग को दिख रहा है, मतलब कि जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग को 50% वाले का भी एडमिट कार्ड हो सकता है तो आ सकता है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अप्लाई वाले पे ओपन करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ क्या एक बड़ी अपडेट आप लोग को देखने को मिला है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कितने परसेंटेज पर एडमिट कार्ड भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो ये अपडेट देख लो, ये अपडेट आप लोग को मिला, ये बड़ी अपडेट है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे ये अपडेट आप लोगों को नहीं था शुरू वाला दिन में, लेकिन ट्विटर कैंपेन चलने के बाद ये अपडेट दिख रहा है और अभी हम लोग का ट्विटर कैंपेन चल ही रहा है, तो आप लोग जाके वहाँ पे आप लोग जो भी ट्रेंड मतलब कि कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग जाके वो ट्वीट करते रहो, सभी का एग्जाम कराओ, जस्टिस फॉर नेवी AA SSR स्टूडेंट, ठीक ना। तो ये सब मतलब जाके वहाँ पर आप लोग करते रहो, ठीक ना, बार बार रिट्वीट करते रहो 5-5 मिनट पर जाके, ठीक। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, सेकेंड अपडेट में आप लोग को देखने को मिला है, आई एग्री टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ने भी बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा सकता हूँ आप लोग को इफ शेड्यूल बाय एक टाइम से, ठीक ना, बाय द इंडियन नेवी एग्री टू पेमेंट फॉर फी फॉर डैट, इसके लिए आप लोग को पैसा पे करने होंगे, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो 1 रुपया भी आप लोग को पे करने को नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन अगर ये ऑनलाइन एग्जाम लेती है तो आप लोग को पैसा पे करने होंगे। वो बता देंगे किस प्रक्रिया से पे करने होंगे, आपकी ईमेल आईडी पे या आपके यहाँ पे फोन पे मतलब मैसेज कर देंगे या आपको इसके मतलब डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा, ऐसा अपडेट आता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। जब ये तभी होगा जब आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन होगा, अगर एग्जाम ऑनलाइन अगर ये नहीं लेते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये बोले कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, ठीक ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग को पैसा पे करने होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग टिक लगाते हो, सब पे एग्री कर देते हो और ये आप लोग देखो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो क्लिक हेयर करके, तो आप यहाँ पे देखोगे तो फॉर्म जो अभी तक जो हो चुका है वो 80,000 के करीब में फॉर्म फिलअप हो चुका है दोस्तों, ठीक ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी 80,000 हो चुका है फॉर्म फिलअप और अभी तक आप फिलअप नहीं किए तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लो, चाहे आपका 50% क्यों ना हो, आप लोग को भी हो सकता है तो एडमिट कार्ड आ सकता है दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोग जल्दी से भर लो 50%, 60% जिनका भी, सब फॉर्म को फिलअप करो, ठीक ना, हो सकता है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, सबसे बड़ी अपडेट आप लोग को पता चल गया, ठीक ना, मैं ऐसा क्यों बोला था, और सबका एग्जाम होगा, ठीक। अब चलिए कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा और आप लोग का जो है एग्जाम कब से होगा, मेरिट लिस्ट कब होगा, वो सारा चीज दिखाता हूं। चलिए हम इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसको ओपन करते हैं और वहां पे सब कुछ अभी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम नेवी की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी उसको ओपन कर लिए, द इंडियन नेवी और अगस्त 2021 से सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ठीक ना। चलिए अभी हम आप लोग को दिखाते हैं कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर आप लोग का जो एग्ज़ाम हो, ठीक ना, अब आप लोग का एग्ज़ाम हो अगर ऑफलाइन हो, ठीक ना, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, ठीक ना, तो उसमें जो है एडमिट कार्ड के लिए जो डेट होंगे वो अलग निकलेंगे। अगर एग्ज़ाम आप लोग के दोस्तों ऑनलाइन होंगे तो उसके लिए एडमिट कार्ड के डेट अलग निकलेंगे। तो वहाँ पर एक कन्फर्म नहीं है कि नेवी जो है वो मतलब कि करवाएगी ही ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक ना। अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन हो तो सबसे पहले हम बता दें कि आप लोग का एडमिट कार्ड है वो किस डेट तक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग जब अगर एडमिट कार्ड का जो डेट होगा, जब अगर आप लोग का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो तो आप लोग का एडमिट कार्ड
वो दोस्तों आप लोग को जून के फर्स्ट वीक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक ना। मतलब कि आप लोग को 7 तारीख जून के 7 तारीख तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा आप लोग के एडमिट कार्ड दोस्तों, ठीक ना। तो ये आप लोग का एडमिट कार्ड डेट रहेगा जब आप लोग का एग्जाम ऑफलाइन होगा, ठीक ना। तो 7 तारीख तक आप लोग के हो जाएंगे दोस्तों क्या चीज़, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। और आप लोग का दोस्तों एग्ज़ाम जो चलेगा ना दोस्तों, वो मैं बोल रहा हूँ जून के आप लोग को 3rd वीक से चलेगा, जून के थर्ड वीक मतलब कि हो जाएंगे 21 तारीख से आप लोग को दोस्तों एग्ज़ाम चलेंगे। और वही जो आप लोग को एग्ज़ाम दोस्तों चलेंगे, वो एग्ज़ाम चलेंगे आप लोग को दोस्तों जुलाई के आप लोग को चलेंगे, ये चलेंगे 10 तारीख तक। मैं बोल रहा हूँ इतना लंबा डेट क्यों है दोस्तों। ऑफलाइन एग्ज़ाम में होता है कि एक ही दिन सभी का एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, किसी का आज एग्ज़ाम तो किसी को 2 दिन 3 दिन बाद होगा, तो किसी को 4 दिन बाद होगा, तो इसमें लंबा टाइम लिखते हैं, ठीक ना। ऑफलाइन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का डेट अलग अलग दिन अलग अलग डेट पर करवाया जाता है सबका, ठीक ना। तो ये एक बड़ी बात है, तो एग्ज़ाम थोड़ा लंबा जाएगा आप लोग ये एकदम ख्याल रखना, ठीक ना। 21 जून तक आप लोग को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ठीक ना। और आप लोग को 10 जुलाई तक है कि आप लोग का सारा का एग्ज़ाम मतलब जो होगा वो खत्म हो जाएगा, और उसी दिन आप लोग का एग्जाम भी हो जाएगा, उसी दिन आप लोग को PFT भी हो जाएगा मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और उसी के कल होकर आप लोग को हो जाएंगे मेडिकल भी। तो सभी चीज एक ही दिन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जिनका 21 तारीख को एग्जाम होगा उसी दिन सारा चीज ये सब हो जाएगा, ठीक ना। और ये एग्जाम जो है जुलाई के 10 तक चलेगा, ठीक ना। ये मैं नेवी नहीं हूं, मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे उस समय भी 1 महीने तक एग्जाम चलते थे, और यहां भी वही हाल है, मतलब कि इस डेट से इतना दिन तक एग्जाम चलने वाले। अब दोस्तों हम बात करते कि आप लोगों को जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब तक आप लोगों को देखने को मिले, तो यहां पे नेवी ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ साफ लिख दिया है, और आप लोग खुद से देख सकते हो दोस्तों। देखिए यहाँ पे नेवी ने क्या लिखा है, द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in ऑन 23 जुलाई 2021। आप लोग खुद से देख लो, 23 जुलाई 2021, मतलब आप लोग के जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो आ जाएंगे, कब आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 23 जुलाई 2021 को आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो इस टाइम बात करें तो आप लोग के लिए अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो पढ़ने के लिए बहुत कम मौका है, अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए हो तो जी जान लगा के पढ़ाई पर स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका है और सेकेंड चैनल भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप जाके दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि YouTube पे 2 वीडियो के बाद नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो 2 वीडियो यहाँ पे डालता हूँ, 2 वीडियो सेकेंड चैनल पे डालता हूँ, तो दोनों को जाके सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर होना है, SG Study सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, ज्वाइन हो जाना, या लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि 23 जुलाई 2021 तक आप लोग को ये मतलब कि मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। अगर आप लोग को मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप लोग को एक और मतलब कि स्टेज से गुजरना होगा, जो कि INS चिल्का में आप लोग को बुलाया जाएगा, ठीक ना। INS चिल्का में आप लोग को बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, उस टाइम आप लोग को एक फाइनल मेडिकल होता है दोस्तों, फाइनल मेडिकल होता है, और इस मेडिकल को पास करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस मेडिकल में जो भी अगर बंदे छट गए तो समझ जाओ कि उनका सिलेक्शन वहीं पर रुक गया, और वहाँ से उनको वापस घर आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तों वो 600 कैंडिडेट को बुला रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 2000 SSR के सीट है, तो ये 2500 कैंडिडेट को बुला रहे, तो इतना कैंडिडेट को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ हैं बंदे कि कोई डॉक्यूमेंट में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या INS चिल्का में जो मेडिकल होता है दोस्तों उसमें बहुत सारे बंदे वापस घर लौट के आने वाले हैं। तो आप लोग जितना हो सके अच्छे से मेहनत करो, और अभी जितना है मतलब कि बाइक वाइक सही से चलाना, इससे कि मेडिकल उडकल में कोई प्रॉब्लम वॉब्लम ना हो, गोर हाथ मत तोड़ना, ये सब तो अपना खुद से सेफ्टी रखना, ठीक ना। तो ये होगा, और यहाँ पर जो डेट दे दिया जाएगा आप लोग को यहाँ पर, ठीक ना, जो भी डेट आप लोग को दे दिया जाएगा मतलब कि इस डेट को आप लोग का क्या होने वाला है, फाइनल मेडिकल होने वाला है INS चिल्का में, तो उस डेट को आप लोगों को पहुंच जाना। अगर उस डेट को आप लोगों को नहीं पहुंचते हो तो आप लोगों का जो मेडिकल है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा, आपको वापस ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है, और मैं जो भी जानकारी था आप लोग को ऑफिशियली बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। और क्लास देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लास जाके देख सकते हो, स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।